ये लक्की ने अभी इसके अंदर सांप देखा है। अगर आप हिमालय के मकबरा आते हो ना तो अंदर ले जाना, कुछ भी अलाउड नहीं है, सिर्फ पानी और कोल्ड ड्रिंक अलाउड है, तो ध्यान रखना ठीक है। अगर आप मेट्रो से आ रहे हो तो वॉलेट लाइन से आना और स्टेशन है जंगपुरा, वहाँ से बैटरी रिक्शा मिलता है और वो 20 रुपीज़ पर पर्सन लेता है ठीक है, और आप कुछ नहीं बता रहेगा बाहर, सिर्फ यही अलाउड है इसलिए ही ले आ रहे हैं सिर्फ। तो यहाँ से इसकी एंट्री, अभी यहाँ पर कुछ ऐसे बोर्ड लगे हुए हैं, देखते हैं टिकट का क्या सीन है, टिकट काउंटर ही रहा। A few moments later. Guys, जैसे मैंने आपको एंट्रेंस दिखाई है ना, यहाँ पे हिमालय का मकबरा नहीं है। अगर आप आते हो मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। अगर आप रिक्शे से आओगे तो रिक्शा वाला यहाँ पे उतारेगा और यहाँ पे कुछ और है, नर्सरी है, सुंदर नर्सरी है, सुंदर नर्सरी, और उसके बिल्कुल सामने है हिमालय का मकबरा। हेलो 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 गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो, उस व्लॉग में आपका स्वागत है। तो अभी हम जा रहे हैं अंदर, यहाँ पे लिखा है हिमालय का मकबरा। ऐसे ऐसे करके रास्ता है, वहां पे टिकट मिलेगी पक्का। टिकट करनी है तो यहाँ से करो। ऐसी था पुराना किले में भी ना, हमारे साथ ऐसी हुआ था, और वहां पर सफदरजंग टॉम में यहाँ पे हो रही है बैग चेकिंग। तो घुसते ही कुछ सामने ऐसा व्यू है, स्टार्टिंग में घुसते कुछ ऐसा है और राइट साइड पे ये बना हुआ है। अब यहाँ जाके देखेंगे क्या है। ये मेरे घर से वीडियो कॉल आ रखी है। वहाँ से हमने लिया एंट्रेंस, सामने भी कुछ है तो हम राइट मुड़ गए हैं और राइट साइड पे ये है। ओ भाई साहब, अच्छा लग रहा है ये। मतलब दिल्ली में हमारे ऐसी ऐसी जगह है ना, हम सोच भी नहीं सकते वीडियो शूट के लिए। ये देखो पीछे लोकेशन, टीम एनडीएस देख लो भाई, लोकेशन नेक्स्ट वीडियो की और राइट साइड पे वो देखो, वहां से दिखाऊंगा। ओ भाई साहब क्या बात है, सेक्सी ब्रो। तो यहाँ पे हम जाएंगे सबसे एंड में, पहले हम राइट साइड पे होते हो जाते हैं ठीक है, देखते हैं राइट साइड पे क्या है, कुछ भी नहीं है वैसे तो। ये ऐसा सा कुछ बना हुआ है देखो, ये सब खाली खाली है। वहां से टाइम लैप बनाते हुए भागते हुए हम यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, चल रहा यहाँ है। ओए अलाउड है कि नहीं? हाँ अलाउड, पता है यहाँ से ना पूरा ऊपर भी चढ़ सकता है। ओह स्टेट्स, इधर देख ये पूरी गैलरी भाई साहब, इधर देख, देखो पूरी गैलरी बनी हुई है, इधर देख, पहले शॉट भी पकड़ा उधर, वो है भाई साहब, मजा आ गया। क्या बोलूंगा, सब्सक्राइब किया है? हाँ सब्सक्राइब किया है, हाँ हाँ तीनों चैनल हो गए। यहाँ से वो भी है एग्जिट, हमारे एन स्क्वायर नितिन, पसीना पसीना, बहुत ज़्यादा स्लोमो बनाई है इन्होंने हमारी।
अपनी स्लोमो के बारे में। यहाँ पर अगर आप आजकल के दिनों में आओगे, नहीं वैसे आज क्या होता है, कल ना हो, आज बहुत उमस हो रही है, ह्यूमिडिटी हो रही है, और खासकर यहाँ पार्क वाले इलाके में तो इतने पसीने आ रहे हैं हमको, पूरे भीग जा रहे हैं हम, काले हो गए हैं। बट काश बारिश हो जाए तो मस्त हो जाएगा, बिल्कुल ठंडा ठंडा यहाँ पर, क्योंकि आप पेड़ है इसके बिल्कुल राइट साइड पर, आपको दिखाता हूँ, देखो लक्की कोली नहीं, बिल्कुल फुल मस्त बागीचा सा बना रखा है, बहुत सेक्सी सा, ठीक है। और इसके लेफ्ट साइड पे भी, मतलब किसी को वीडियो शूट वीडियो शूट करना हो ना, बहुत मस्त जगह है, क्योंकि मैं हर चीज़ ऐसे बताता हूँ उसके पर्पज़ से, वीडियो शूट के पर्पज़ से, क्योंकि हम लोकेशन ढूंढते हैं, आपको ना ढूंढनी पड़े इसलिए हम आते हैं। ये देखो अभी वहाँ भी लेके जाऊँगा, वो भी मस्त लग रहा है, यहाँ फोटो शूट चल रहा है फुल। ओह ये भी इतनी अच्छी लग रही है, ये देखो इसे बोलते हैं छपरी स्टाइल फोटो खिंचवाना। यहाँ पर जब हम घुसे थे ना तो मेरी एनर्जी ऐसी थी, ओए भाई क्या व्यू है, और आफ्टर 5 मिनट गर्मी से ब्लॉग चल रहा है भाई ब्लॉग चल रहा है आफ्टर 5 मिनट भाई साहब पसीने से पूरे भीगे पड़े हैं, बहुत गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी। अब जल्दी से ब्लॉग शूट करते हैं और फिर निकलते हैं। इसके राइट साइड पे ये है कुछ, दिखाता हूँ आपको, पास जाके दिखाता हूँ, पास जाके ये देखो, वो भी सेम ऐसा ही है। यहाँ का व्यू देखो आप, मान लो किसी को बिनते दिल पे शूट करना हो। जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ, मुझे आपका नाम नहीं पता, अभी बाहर जाके बोर्ड पे पढ़ के बताऊँगा आपको। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है, जो भी है मस्त है, पीछे एक तो ये चीज़ मस्त है, इसकी एंट्रेंस मस्त थी, और जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ ये जगह मस्त है। और सीरियसली बोल रहा हूँ, मतलब इफ़ अगर कोई डांसर मेरी वीडियो देख रहा है और उसको कोई लोकेशन चाहिए और तो ये बहुत अच्छी लोकेशन है, आप आ सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर वीडियो शूट करना अलाउड है, बहुत सी जगह पर अलाउड नहीं होता, ठीक है, तो आओ बेफिक्र। ओके इफ़ अगर आप इसके ऊपर चढ़ते हो तो इस चीज़ का ध्यान देना, हमने ध्यान नहीं दिया क्योंकि फट रहा था, इस पर लिखा है प्लीज़ टेक ऑफ योर शूज़, और हमने शूज़ नहीं उतारते किसी ने भी, तो अगर आप आओ तो यहाँ पे शूज़ लगा के जाना, क्योंकि कुछ मान्यता होगी इसकी। हम इस पे जाने के लिए स्टेयर्स ढूंढ रहे और मिली नहीं रही, हमने चक्कर काट लिया था, हमें स्टेयर्स नहीं मिल रही, थोड़ा सा देख लेते भाई होगी कहीं, तो यहाँ पे अंदर जाने का रास्ता है और यहाँ कब्र है, दिखाते हैं आपको, यहाँ पे है कब्रें, तो इसके बारे में हमको नॉलेज नहीं है, तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, सीधा बाहर जाएंगे। चलो तो जिस जगह भी हम आए थे उस जगह का नाम है ईसा खान का मकबरा, और यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, आप स्टॉप करके पढ़ लेना, ठीक है। चलो अब हम जा रहे हैं वहाँ पर, वहाँ पीछे, वहाँ से एंट्री है, देखते हैं, ऐसे कुछ एंट्रेंस है, ये देखो ये स्मार्ट बॉय। लेफ्ट साइड पे कुछ ऐसे है, राइट साइड पे कुछ ऐसे है, और सामने है ये एंट्रेंस, ये दाखिल हो रहे हैं हम हुमायूं के मकबरे में। ये देखो एंट्रेंस गेट कितने धांसू लग रहे हैं, फाइनली आ गए हैं हुमायूं के मकबरे में, अभी तक तो हम ऐसे ही घूम रहे थे। ये देखो यहाँ पे कितना मस्त हो रहा है, इधर ही चल रहा है, और यहाँ पर भी लेफ्ट साइड पे कोई गेट है जो मैं नहीं मान जाएंगे, राइट साइड पे कुछ है, अरे किवाड़ मत लगा, अंदर आ जाएगा तू, कैमरा से होगा ना इस वाले, बड़ी अच्छी फोटो आएगी यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ अंदर आते ही ऊपर कुछ ऐसे बना हुआ है, देखो टूट रखा है, तोड़ा हुआ है ये, यहाँ अंदर कुछ है देखते हैं, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। चलो तो जो ये डोर है इसका नाम है अरब सराय दरवाज़ा, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, पॉज करके पढ़ लेना सब कुछ, और यहाँ पे अंदर कुछ भी नहीं है। अब राइट साइड पे है हुमायूं का मकबरा, जहाँ अभी हम पहले थे, वो क्या नाम था, ईसा खान का मकबरा, वहाँ पर बिल्कुल भीड़ नहीं थी, एक दो लोग थे, बट अभी मेरे को सामने लोग दिख रहे हैं बहुत सारे, शायद से यहाँ भीड़ है, बिना मास्क और लोगों ने मास्क भी पहनी है, नहीं कई लोगों ने पहना हुआ यार, फोटो दिखाना चाहिए, रियलिटी दिखाता हूँ। तो ये है हुमायूं के मकबरे की एंट्रेंस, आपको यहाँ पर भी एक बार टिकट दिखानी पड़ेगी दोबारा यहाँ पे आने के लिए। सो गाइस अभी जो आपने व्लॉग देखा ये था पार्ट वन, तो होप करता हूँ आपको व्लॉग अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो व्लॉग को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। चलो बाय बाय।
पीस आउट, वो भाई क्या कहता पीस आउट। इतना अच्छा व्यू और बंदे व्लॉगिंग करने आते हैं, अब व्लॉगिंग के टाइम पे बंदे क्या करते हैं? ये है हमारे एंसर खत्म।